भारतीय सीमा पर चीन हमले के बाद देश सहित नालंदा में भी चाइना में निर्मित सामानों का लोगों ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। बिहार शरीफ के चाइना मार्केट में वह रौनक नहीं दिखी जो पूर्व में दिखा करती थी। इस मार्केट में प्रतिदिन लाखों रुपए के चाइनीज सामानों का व्यापार होता था, मगर वह घटकर आधे से भी कम हो गया है। हालांकि बिक्री नहीं होने से दुकानदार थोड़े मायूस तो जरूर हैं, मगर उन्हें खुशी इस बात की है कि लोग चाइनीज सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिए हैं। मानिए तो इंडिया के लिए बिल्कुल जायज बनता है, बहिष्कार होना भी चाहिए। चाइना लोग जो उत्पाद मचाए हुए भारत में, उसका विरोध हम लोग सब करते हैं। हम लोग चाइना मार्केट के एक दुकानदार हैं। प्रभाव तो देखिए, चाइना का जो लड़ाई चल रहा है इंडिया पर चाइना में, उससे प्रभाव बहुत पड़ा है। 90% बाजार गिर गया है। सबसे बड़ी बात कि बाहर हम लोग का सामान अच्छी तरह से मिल नहीं रहा है। जो सामान पहले 5 रुपये का आता था, वो सामान का दाम 15 या 12 रुपये हो गया है। सबसे पहला प्रभाव तो उसी आघात पड़ा है। दूसरी बात, मार्केट का स्थिति बहुत डगमग है, लेकिन तब पर भी हम लोग चाइना मंडी के लोग, जितने व्यापारी लोग हैं, सब तहे दिल से भारत के सपोर्ट करते हैं। और हम लोग सब चाहते हैं कि चाइना का बहिष्कार हो और अच्छी तरह से भारत अपने मुकाम पे, अपने दम पे अपना प्रोडक्ट बनाए। 2 पैसा महंगा हो, लेकिन हम लोग सब सक्षम हैं खरीदने के लिए और बेचने के लिए। बता दें कि बिहार शरीफ के चाइना मार्केट से नालंदा, नवादा, शेखपुरा सहित कई जिलों में चाइना में निर्मित सामानों की आपूर्ति की जाती है, लेकिन चीन के साथ चल रहे झगड़े के बाद से लगातार देश में लोग चीन के सामानों का बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं। नालंदा से राकेश कुमार की रिपोर्ट।